रिक्रूटमेंट कब तक कंप्लीट होगी? क्योंकि हो सकता है कि इसका जो स्किल है वो SST के CBT से क्लैश करे, हो सकता है, क्योंकि दोनों का जो स्किल का डेट है वो लगभग लगभग उसी टाइम में जाने के पूरे पूरे आसार हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखो, सबसे पहली चीज़, रिक्रूटमेंट इसका कब तक कंप्लीट होगा? अभी तो आपका मार्च में पूरा नोटिफिकेशन का पूरा चलेगा, जुलाई या अगस्त में इसका जो एग्ज़ाम है CBT का वो कंडक्ट होगा। स्किल का जो एग्ज़ाम है वो आपका नवंबर या दिसंबर में आपका जो एग्ज़ाम है वो आपका हो सकता है, तो स्किल टेनो का भी हो सकता है कि भाई नवंबर में क्लास हो जाए, ठीक है। तो ये थोड़ा कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, लेकिन अभी तक कोशिश यही करी जा रही है कि दो एग्ज़ाम एक टाइम पे ना पड़े। गवर्नमेंट पूरा ये कोशिश करे, अगर आप बताते भी हो तो अलग से, कहीं अगर आप आयोग को लिखते भी हो तो कहीं ना कहीं वो डेट या तो EPFO चेंज करेगा या SSC करेगा, कोई ना कोई ऑटोमेटिक चेंज कर ही देता है, ठीक है। तो ऐसे में अगर पूरी रिक्रूटमेंट की यहाँ पर बात करूँ तो इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर इसकी मैं बात करूँ तो ये मान लो मोटा मोटा कि ये जो पूरा रिक्रूटमेंट है ये पूरा मार्च 2025 तक आपको ये जो पूरा रिक्रूटमेंट है पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। और मार्च 2025 तक कंप्लीट होगा तो दो में दो या 3 महीने आपको आराम से ज्वाइनिंग में आपको लग जाएंगे, क्योंकि अभी इलेक्शन टाइम था तो ज्वाइनिंग जल्दी आ रही थी। अब थोड़ा डिले करेगा 2 या 3 महीने, क्योंकि प्रेफरेंस आएगी, फिर एलोकेशन होगा, पोस्टिंग होगी, तो 2 या 3 हो सकता है 4 महीने भी आपको लग जाएँ। तो जब तक आप लगोगे तब तक कहीं ना कहीं आपकी जो सैलरी है वो लगभग ही, मान लो कि अगर XCT में लगे हो 87,000 के करीब आपकी आएगी, वाई में लगे हो तो 80 के करीब आएगी, जेड में लगे हो तो लगभग आपके 70 के करीब सैलरी आपकी आराम से हो जाएगी। बहुत अच्छा मौका आपको मिलेगा, तो बस आपको चैनल पे बने रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है, जो भी अपडेट रहेगी, क्वेरी रहेगी, आपको यहाँ से सॉल्व कर दी जाएगी। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स आपको दिए गए।